अक्टूबर 1, 2024 मंगलवार। बालक यीशु की संत तेरेसा का त्यौहार। पहला पाठ इसायस का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्याएं 10 से 14। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे उसके कारण आनंदित हो जाओ, जिससे तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ और उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करो। क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम को दिलासा मिलेगा, तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा, तुम्हारा हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहाएगा। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य किंतु अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 4। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज कैथलिक कलीसिया बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व मना रही है, जैसा कि यीशु ने मत्ती 18:1-4 में अपने शिष्यों से कहा कि स्वर्ग के राज्य में सबसे महान वे हैं जो छोटे बच्चों की तरह बन जाते हैं, विनम्र, भरोसेमंद और ईश्वर पर निर्भर। यह शिक्षा बालक यीशु की संत तेरेसा की आध्यात्मिकता को खूबसूरती से प्रतिबिंबित करता है, जिसका छोटा रास्ता बच्चों जैसी सादगी और ईश्वर के प्रेम में पूर्ण विश्वास में निहित है। संत तेरेसा ने महानता को बड़े कामों या सार्वजनिक पहचान के माध्यम से पाने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय उन्होंने विनम्रता का मार्ग अपनाया। अपने रोजमर्रे की चुनौतियों और छोटे छोटे प्रेम भरे कार्यों को ईश्वर के मानने में था कि वे कमजोर और छोटी है, फिर भी वे ईश्वर की दया और कृपा में पूरी तरह विश्वास करती थी। संत तेरेसा का पर्व हमें अहंकार, महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता को छोड़कर एक बच्चे की तरह विनम्रता और विश्वास अपनाने के लिए बुलाता है। संत तेरेसा की तरह हमें पवित्रता को असाधारण कार्यों में नहीं बल्कि जीवन के छोटे छोटे और सामान्य क्षणों में खोजना है, जो प्रेम से भरे होते हैं। यह बच्चों जैसी विनम्रता का मार्ग स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाता है, जहाँ सबसे छोटे ही वास्तव में सबसे बड़े होते हैं।